पंचायत के वार्ड संख्या 13 के वार्ड सदस्य ने आज अपने पंचायत सचिव पर सरासर आरोप लगाए कि इन्होंने किसी पक्षकार के विरुद्ध में जाकर यह अपना कार्यक्रम किया, जिससे मेरी छवि धूमिल हो रही है। मैं पंचायत सचिव को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस संबंध में उन्होंने बताया कि अल्पमत के बच्चे लोग मतदान किए, जहाँ यहाँ भानुप्रिया कुमारी ने बताई कि ये घटना प्रतीत है। पब्लिक गुप्त न्यूज के लिए क्या नाम हुआ आपका? भानुप्रिया कुमारी। आप कौन किस पद से बिलोंग कर रहे हैं? पंचायत पर क्या नंबर पंचायत का? वार्ड 13। तो क्या हुआ आपके साथ? गलत चुनाव हुआ है सचिव का। सचिव का चयन में गलती हुई है। हाँ। ये गलती कैसे हुआ? कैसे हुआ, मान नहीं दे रहा था। वोटिंग जो है एक ही आदमी 2-3 बार किए हैं। हाँ, हम लोग विरोध किए बहुत, लेकिन मानना नहीं। आपके पति का क्या नाम है? मधुसूदन मंडल। वो क्या करते हैं? मजदूरी। तो क्या वो उम्मीदवार था वहाँ वोटिंग में? वोटिंग में 7 वो 7 उम्मीदवार था पंचायत सचिव के लिए। हाँ। तो 7 में से कौन विजयी घोषित किए गए? रजनीश कुमार फुलकिया। धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताएं। मोहम्मद निशार अहमद, पंचायत सचिव। किस पंचायत का? मीरपुर। अच्छा, कल कहाँ चुनाव हुआ आपके यहाँ? वार्ड संख्या 13। वार्ड संख्या 13 में कितने प्रत्याशी नामांकन किए थे? 7। 7 जी। तो 7 में प्रथम कौन रहे? रजनीश कुमार 51 मधुसूदन मिला। हाँ। उसके बाद अमर को 45 मिला है जी। 42 रंजीत कुमार को मिला है जी। उसके बाद पुष्पलता कुमारी को 19 मिला है जी। उसके बाद मनोज कुमार को 5 मिला है जी। पप्पू मंडल को 29 मिला है जी। अच्छा, मनोज कुमार को 5 मिला है जी। तिरुपति नारायण शर्मा को 4 मिला है। तो किनको आप विजय घोषित किए? विजय तो घोषित हुआ 51 जिसको हुआ उसको रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार के जो मतदान हो रहे थे, उस मतदान में क्या नीरपुर पंचायत के मूल निवासी थे? मूल निवासी तो थे ही, आखिर का आप उसका छाया प्रति उपलब्ध करा सकते हैं? अभी तो हमको छाया ऊपर हमको दिया है ला करके, देखिए। हाँ, तो उसका छाया प्रति चाहिए। आ लीजिए ना। धन्यवाद।